सो हे गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे न्यू डेट्स के बारे में, जो कि डीएसयू की तरफ से अब यार फिर से अपडेट आया है। इस वीडियो में इसी जो अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एनी टाइम वेस्ट करें। ओके सो यार, सबसे पहले अगर आप मेन वाली वेबसाइट पे जाओगे, पहले मैं यार आपको एडमिशन पोर्टल पे दिखा देता हूं कि वो कौन सा एडमिशन पोर्टल पे यार एज सच अभी तक अपडेट आया नहीं है। ठीक है, यहां पे अगर आप नीचे करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो वही 14 तारीख है आपकी लास्ट डेट आपकी यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की, राइट। बट यहां पे अगर आप मेन वेबसाइट पे गए एंड इसको रीड, तो यहां से अगर हम डायरेक्ट यहां पे क्लिक कर लेते हैं तो एक ही चीज है। ठीक है, यहां पे अगर एक पॉपअप खुलता है तो यार यहां पे पॉपअप में यार ये लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर ऑल द डिप्लोमा प्रोग्राम एंड द बीए डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल डिजाइन इज द 5th डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सीबीएसई 10th रिजल्ट, राइट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशंस। तो यार यहां पे इन्होंने ये बोला है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस फिलअप करने की डेट, याद रखना एप्लीकेशन फिलअप करने की डेट है यहां पे ये चीज। ठीक है, ये कितनी होगी भैया, ये हो गया 5 आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीबीएसई रिजल्ट। आपको पता है कि अभी जो सीबीएसई का रिजल्ट है यार वो अभी यहां पे न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, तो सीबीएसई का जो रिजल्ट है यार वो अभी न्यूज में बना हुआ है। सीबीएसई का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, एक दो दिन में सीबीएसई का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा अगर रिलीज होता है। ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट अगर, देखो ये वाला जो सिस्टम है डीएसयू का, जो एप्लीकेशन का फॉर्म का जो सारा सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है, वो है डीएसयू आपका सीबीएसई पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा था ये जो डेट्स है वो बढ़ सकती है, जब तक आपका सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यार ये अपने ऐसे ही ये सारी चीजें डेट्स बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं एंड यार यहाँ पे अगर सीबीएसई का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, मान लो सीबीएसई का रिजल्ट कल आ गया, ठीक है, तो कल आ गया आपका रिजल्ट, तो कल यार आपके उससे इन्होंने बोला है उससे 5 दिन बाद। ठीक है, तो मान लो कल आ गया तो उसके 6वें दिन मतलब नेक्स्ट आपका यार कह सकते हैं ट्यूजडे तक आपका यहाँ पे सारी चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ एज सच इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपका रिजल्ट आता है 10th का, ठीक है, 10th का अगर आपका रिजल्ट आता है तो 10th का रिजल्ट के उसके 5 दिन बाद आप सभी की जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म बार खत्म हो जाएगी। अभी तक जो है वो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी की खुली हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म जाके भर सकते हो। ठीक है, एंड यार रही बात आपकी एग्जामिनेशन की, तो यार एग्जामिनेशन अब भैया यार यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या सीन है। ठीक है, एग्जामिनेशन हमारे होंगे या नहीं होंगे, अगर यार आप सभी को मैं यहाँ पे ले चलूँ जो सारी चीजें हैं, जो आपका यहाँ पे एडमिशन नोटिस वाला सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस पे क्लिक करोगे एंड यार यहाँ पे अगर नीचे जाओगे इस सारी चीज को अगर डाउनलोड करोगे आप तो इस सारे पीडीएफ को, तो यार आपको पास वही वाला सेम वही चीज लिखा रहेगा। ठीक है, आपका जो पहले वाला पीडीएफ था वही वाला है, उसमें आपका 24 तारीख ही मेंशनड है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे अगर हम बात करें यार इस 24 तारीख की ये डेट आप सभी की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यार यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आई थिंक यार ये बढ़ सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर डेट बढ़ी है तो यार ऑब्वियसली ये भी डेट बढ़ने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर आप डेट बढ़ी है तो यार आप सभी की जो आपके एग्जाम की डेट है वो भी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वो भी बढ़ेगी। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट ये 24-30 तक इस मंथ के एंड तक मान के चलो कि आपका ये एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आपकी काउंसलिंग सारी चीजें हो वो नेक्स्ट मंथ से होगी। ठीक है, आपकी नेक्स्ट, ये सारी चीजें मेरा मानना है। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी यार कोई भी अगर अपडेट आता है ना, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं जरूर बता दूंगा, इस चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी आप मान के चलो आपकी जो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 24 तारीख को ही होगा, 24 एंड 25 तारीख को। ठीक है, एंड अगर आपकी अगर डेट्स की बात करें एप्लीकेशन फॉर्म डेट की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आपकी जब जिस दिन भी सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा उसके 5 दिन आपका ऐड कर लो। ठीक है, 5 दिन आपका क्या कर लो, ऐड कर लो, उसके बाद ही आपका खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम। तो अभी तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम खुला हुआ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट अभी तक खुला है, आप जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, डेट्स आप सभी की अभी तक यही है एग्जामिनेशंस की, अगर बढ़ती है तो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं ली है। बस अगर एक एक्सेप्टेड डेट्स मान के चलो तो आपकी इस महीने तक एग्जामिनेशन आई थिंक मेरा हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 24 तारीख है, ऑलमोस्ट 30 तारीख 5 दिन और बढ़ा दो इसमें ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस आपके मंथ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से ये शायद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वाली वीडियो में इतना ही, तब तक लिखते हुआ ठीक है, मिलते हैं शानदार के साथ। इस फीस रिलेटेड अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। बाय बाय।